हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रोल की रेसिपी, जैम रोल की रेसिपी, विदाउट अंडा, विदाउट अवन, विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट मिल्क पाउडर। घर के सामान से इजी बना के रेडी कर लेंगे। सबसे पहले बता देते क्या क्या लिया है। ये मैंने दूध ले लिया है, आधा कप के करीब दूध है, ये हल्का गुनगुना दूध है। इसमें मैं डाल दूंगी ये वाइट विनेगर, किसी भी ब्रांड का आप विनेगर ले सकते हो। एक चम्मच डाल के साइड में रख देंगे, ये अच्छे से क्रडल हो जाएगा। इस अगर ये नहीं है तो आप सिरके की जगह नींबू के रस का इस्तेमाल करें। ये ली है मैंने 2/3 कप मैदा, 3 टेबल स्पून लिया है यहाँ पे रिफाइंड ऑयल, आधा कप शुगर पाउडर, आधा टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा, और ये जैम, सिंपली एक जैम ले लिया है। घर पे जो जैम हम रखा होता है वही जैम लिया। आप इसकी जगह स्ट्रॉबेरी क्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं एक बाउल लेना है, इस बाउल में मैंने ये आधा कप शुगर पाउडर को डाल दिया है। इसको छान लेना है आपको। बरसात का मौसम है तो ये पिसी हुई चीनी को रख देते हैं तो इस पे क्या गुठलियाँ आ जाती हैं, तो इस तरीके से आप एक स्पून की हेल्प से छान लीजिए। ये मैंने घर पे ही बनाई थी शुगर पाउडर। और ये जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, इसकी जगह आप बटर या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसको विस्कर की हेल्प से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है, लाइक दिस। अब इसमें डालेंगे हम मैदा, ये मैंने मैदा डाल दिया, 2/3 कप मैदा डाली है। इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनको डाल के भी अच्छे से छान लें। अच्छे से छान लिया है एंड इसको मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे उस दूध का जिसमें हमने सिरका डाला था। ये देखिए काफ़ी ये क्रेडल हो गया। इसकी जगह आप थोड़ी सी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़े से दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस इसको मिक्स करते जाइए जब तक आपकी जो कंसिस्टेंसी है आपके बैटर की वो एक फ्लोइंग ना आ जाए और बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ टेक्सचर आपको नहीं मिल जाता, तब तक आपको दूध को ऐड करते जाना है। इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे वेनिला एसेंस डाला और एक ड्रॉप फूड कलर डाला है येल्लो, इसको थोड़ा सा येल्लो टच देने के लिए। फूड कलर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर जैसे हम रेसिपी बनाते रहते तो रखा है तो इसलिए डाल दिया, अदरवाइज़ आप स्किप करें। इसके बाद बैटर तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने लिया सिंपली ये पैन ले लिया है, इसको ग्रीस कर दिया है इस तरीके से। हम सिंपल विद किसी भी कोई तामझाम के सिंपल तरीके से ये रोल बना के रेडी करेंगे। जैसे हम घर पे कई बार चिल्ला वगैरह बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, मुंगलेट वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके से आप इसे पूरा अच्छे से अपने पैन के अंदर डाल दीजिए बैटर को। इसके बाद डाल के इसको अच्छे से फैला देना है, इसको अच्छे से पैन को अच्छे से हिला दे ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए जो हमारा बैटर है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब इसको हमें कवर कर देना है, इस लिड लगा देनी है, इसको कवर कर दें और 5 मिनट में ही आपका रेडी हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे ले लेना है जैम। आप ये देख सकते हैं जैम की कंसिस्टेंसी कैसी है, इस तरीके से इसे लगाना बहुत मुश्किल है तो इसे थोड़ा फेंटना पड़ेगा। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फेंटने के लिए। जैसे आप इसको फेंटोगे इसका कलर टेक्सचर सब कुछ चेंज हो जाएगा, थोड़ा क्रीमी हो जाएगा, कलर लाइट हो जाएगा, तो आपको तब तक फेंटना है जब तक ये थोड़ा क्रीमी और लाइट नहीं हो जाता, जिससे ये अच्छे से अप्लाई हो जाएगा आपके रोल के ऊपर। इसके बाद जो बेस है हमारे रोल का वो भी अच्छे से 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट में ही बन के तैयार हो जाता होगा। जो आपको फ्लेम है वो लो रखनी है, यहाँ पे लो फ्लेम पे बनाना है। और ये बन के रेडी हो गया है, अब इसको निकाल लेना है। इस तरीके से इसको बाहर निकाल लीजिए और वेट कर लीजिए जब तक ये ठंडा हो जाए। जैसे ठंडा होगा इसके ऊपर हम अपने जैम को अप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही आपको लगे, जहाँ से थोड़ा आपको लगे कि ये इवन नहीं है वहाँ से आप इसको इवन कर लीजिए। थोड़ा सा मुझे इस साइड से लग रहा था कि ये इवन नहीं है तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से कट कर लिया। अब देखिए ये जो मैंने जैम था इसको अच्छे से फेंट लिया, ये कितना क्रीमी टेक्सचर इस जैम का आ गया है और बढ़िया से ये अप्लाई भी हो रहा है। इसी तरीके से आप पूरे रोल के ऊपर जो बेस है हमारे रोल का उस पर जैम मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, ये भी डेसिकेटेड कोकोनट भी हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। इसको इस तरीके से एक बटर पेपर की हेल्प से अच्छे से इसको हम एक रोल की शेप में देते जाना है, इसको मोड़ते जाना है लाइक दिस। और इसको हम फ्रिज में रख देंगे, ऐसे रोल बना देंगे
अच्छे से कवर कर देंगे। इसको फ्रिज में रख देना है कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए, इसको मैं अब फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये जो शेप है इसको ये होल्ड कर लेगा। अब मैंने इसको फ्रिज में से निकाल दिया है। अब फ्रिज में से निकालने के बाद मैं इसके ऊपर भी जैम अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, और ऐसे जैम अप्लाई करते जाना है और डेसिकेटेड कोकोनट लगाते जाना है लाइक दिस। ये एक परफेक्ट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है, और आप ये मिनटों में बना के तैयार कर सकते हो, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, बेकिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसको बीच से कट कर लेंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे लाइक दिस। इस तरीके से मैंने इसको पीसेस में कट कर दिया है। आप इसे का टेक्सचर देख सकते हो कितना बढ़िया है, कितना, ये देखिए कितनी बढ़िया सी रेसिपी बन के रेडी हो गई है, और खाने में बिल्कुल लाजवाब है। इसे ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। नो फेल रेसिपी है। मिलते हैं अगली ऐसे ही आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।